अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिए जनाब, मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटा, हम आपके पड़ोस में नए नए आए हैं। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, सोचा आपके भाई को भी साथ में ले लूँ, इसी बहाने कुछ गपशप हो जाएंगी। ये क्या, ये मेरे बड़े भाई को कैसे पहचानते हैं? बेटा, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अंकल, रुकिए मैं बुला कर लाता हूँ। यार ये तो बहुत मज़ेदार गेम है यार। भाई, बाहर एक अंकल आए हुए हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हाँ तो रेहान, आपने उनको बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर बुला लो। भाई, वो आपको नमाज के लिए बुलाने आए हैं और कह रहे हैं रास्ते में कुछ गपशप भी हो जाएगी। क्या नमाज के लिए? तुम एक काम करो, उन्हें बता दो कि भाई घर पर नहीं है। भाई, वो हमारे नए पड़ोसी हैं, 10-15 मिनट की तो बात है, चले जाइए, आपकी जान पहचान भी हो जाएगी। उनसे क्या जान पहचान हो जाएगी? तुमसे कहा ना कि जाकर मना कर दो, उन्हें बताओ कि मैं घर पर नहीं हूँ। अंकल, मुझे पता नहीं था भाई घर पर नहीं है, वो कुछ काम से बाजार गए हुए हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे बेटा सुनो, मेरी बात तो सुनो। अंकल, भाई घर पर नहीं है। बेटा, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने अभी उन्हें अंदर जाते हुए देखा है, मैंने आवाज भी लगाई लेकिन शायद उन्होंने सुना नहीं। ठीक है अंकल, मैं देखता हूँ। भाई, वो कल वाले अंकल आए हुए हैं। जाओ उन्हें बोलो कि मैं घर पर नहीं हूँ। भाई, उन्होंने अपनी आंखों से घर के अंदर आपको दाखिल होते हुए देखा है। अजीब जबरदस्ती है, जाओ उनसे कह दो कि वो चले जाएं, ये उन्हीं के लिए बेहतर होगा। भाई, मुझे ये झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद जाकर मिल लो। अंकल, आप रोज मेरे घर में चले आते हैं, क्या काम है मुझसे? बस बेटा, आपसे मुलाकात करनी थी। हो गई ना मुलाकात, अब आप जा सकते हैं। मुलाकात तो हो गई, चलिए नमाज के लिए चलते हैं, इसी बहाने हमारी जान पहचान भी हो जाएगी। चाचा, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, हमें भी पता है कि हमें नमाज पढ़नी है, हम भी मुसलमान हैं। आप अपना किबला सीधा करें, हम खुद पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, माजरत, आइंदा आपको मैं तंग नहीं करूँगा। यार अंकित, मुझे किसी भी कीमत में वो शेयर चाहिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र हो जाइए। यार फिक्र तो हो रही है यार, बस काम हो जाना चाहिए, अगर कोई लेना देना हो तो बता दो, हो जाएगा। देखो, वो ईमानदार आदमी है, ऐसे कामों से उसे सख्त नफरत है। ठीक है। अरे आप आइए, तशरीफ रखिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। सर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के मालिक हैं जिसके शेयर मुझे चाहिए। मैंने जाने अनजाने में आपके साथ बहुत बदतमीजी कर दी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी कंपनी के शेयर आपको देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी और हमेशा सच बोलना होगा। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और 5 वक्त की नमाज भी अदा करूंगा। वेरी गुड बेटा, ये माल और दौलत तो इसी दुनिया में रह जाएंगे, आगे काम आएंगे तो सिर्फ आपके अमाल है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कितना बदबخت था, आप मुझे नमाज के लिए बुलाते रहे और मैं आपसे झूठ बोलता रहा। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। ये रुपया, पैसा, माल और दौलत, ये सब हम इसी दुनिया में छोड़कर चले जाएंगे। अगर हम कुछ लेकर जाएंगे तो वो है हमारे अच्छे काम और नेक आमाल।